चित्ति के ही द्वारा होता है। निर्मल चित्ति रूपी चंद्रबिंब में खरगोश की तरह संबंध प्राप्त कर यह जगत में अवस्थित पदार्थ शोभा पदार्थ का जो शोभा वह सर्वत्र दिखाई पड़ती है। कोई दुनिया जो हमारे दृश्य जगत है वो बड़ा सुंदर दिखता है, उसको यही महाशक्ति का वरदान है, वही दिखाती है सब। चित्ति रूपी अमृत के सिंचन से यह पदार्थ समूह की पंक्ति ही उस प्रकार रूप और फल धारण करती है। ये चित्ति ही अमृत का स्वरूप है, यही मरण और अमृतत्व दोनों का कल्पना करती है। जहाँ मरण होगा वहीं अमृतत्व होगा, अमरत्व होगा। जहाँ मरण नहीं है, जो सनातन पद है, वहां पर अमरत्व का कोई नाम नहीं है, अमरत्व का कोई कीमत नहीं है। तो परमात्मा में जो सबसे परे, वहां पर ना मरत्व ना अमरत्व कोई मतलब नहीं होता है। और इस संसार में जो बनती और बिगड़ती रहती है हर नाम रूप, इसी में मरना और नहीं मरना इसका कोई कीमत है, इसका अर्थ होता है। नहीं तो परमात्मा में इसका कोई अर्थ नहीं है। यहाँ मरत्व और अमरत्व इसका क्या अर्थ है? दिखाई देना, प्रकट होना, दृश्य होना, ये है दृश्य जगत। और ये दिखाई देने के बाद थोड़ा देर रह करके जब फिर अदृश्य हो जाता है, रूप बदल देता है, तो फिर उसको हम मरणशीलता बोलते हैं। कोई वस्तु दिखाई देना और वह फिर थोड़ा देर के बाद जब अदृश्य हो जाता है, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम हो करके अपना नाम को खो देता है, तो उसको नाम रूप को खो देना अथवा नाम रूप का सूक्ष्मतम स्थिति में रहना, स्थूल स्थिति को छोड़ देना, इसी का नाम है मरणशीलता। और ये जो हमेशा अगर रहेगा, हमेशा मतलब सनातन नहीं हो सकता है। कुछ देर तक तुलना करने से दूसरे के अपेक्षा ज्यादा समय तक देश काल परिस्थिति का विचार करने से ज्यादा अवधि तक जो दिखाई देता है उसी को अमर कहते हैं। अमर क्या होता है? अमर का कोई अर्थ नहीं होता है। मान लो देवता लोगों को हम अमर बोलते हैं, देवताओं को अमर बोलना इसीलिए सार्थक है कि मर्त्य मंडल में जो स्थूल रूप से जो रूप सब हमको दिखता है, मनुष्य पशु पक्षी के रूप में, वो
उनके साथ अपना स्थिति को जब तुलना करते हैं, देवता लोगों का स्थिति थोड़ा ज्यादा देर तक रहता है बस, और कुछ नहीं। और फिर समय आने से वो देवता लोग फिर मत्स्यमंडल में अवतरण करते हैं, हमेशा देवता के रूप में नहीं रह सकते। तो अमरता का क्या अर्थ हुआ, तुलना करके देखते हैं। तुलना करने से हमारे ये पेड़ों के अंदर कुछ ऐसा पेड़ है जैसे बरगद है, बनियन ट्री, पीपल है, ये हजारों साल जिंदा रहता है, तो इसको अमर बोलते हैं, ये मरता नहीं कभी। लेकिन ऐसा कोई पेड़ नहीं जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, ऐसा तो कभी नहीं। थोड़ा देर उसको तुलना करते हैं तो दूसरे पेड़ों से इसका अवधि जो रहने का वो थोड़ा ज्यादा है, इसलिए उसको इस ढंग से हम कहते हैं। सारे इस दुनिया में जितनी जो कुछ है सब तुलनात्मक है, सब चीज तुलनात्मक है, इसी को कहते हैं रिलेटिव वर्ल्ड। और ये जो ये पदार्थ समूह है, पदार्थ इसकी पंक्ति ही उस प्रकार रूप और फल धारण करती। फल मतलब क्या हुआ, कर्म और कर्म। जिस प्रकार वृष्टि से सिंचित उत्तम लता फल धारण करती है, जैसे लता और वृक्ष में वर्षा होने से वृद्धि होती है और फूल लगता है तो फल भी लग जाता है, वैसे ही ये सारे संसार परिवर्तन होने से, परिवर्तन के कारण अरे है उठा करके नहीं रख सकती है। फल धारण करना मतलब ये हुआ कि परिवर्तन होता है बस। परिवर्तन होने से एक को हम कर्म कहते हैं और दूसरे को कर्म फल बोलते हैं। और इसी प्रकार ये सारा संसार चलता रहता है। और इसका पीछे, इसके पीछे वही चित्त शक्ति ही काम करती है। और ये चित्त शक्ति है क्या चीज, कुछ नहीं है, जो नहीं है वही है, जो नहीं है अज्ञान अथवा जानकारी का अभाव होना ही अज्ञान है। और उससे कुछ भी हो सकता है, संभावना कुछ भी होगा, और वो है इस अज्ञान का स्वरूप। शंका होगी यदि जीत ही अमृत की तरह पदार्थ समूह का पदार्थ समूह के चारों ओर व्याप्त होकर स्फुरित होती है तो उनमें जड़ता नहीं होगी, क्योंकि चारों ओर रस से आर्द्र होने पर शुष्कता की प्रसक्ति से ही नहीं हो सकती है। तो इस पर कहते हैं, शंका कर सकते हैं, यह अगर चित्त शक्ति
ये सारा परिवर्तन को अंजाम देती है, तो फिर इसको जड़ कैसे बोल सकते हो? ये तो चेतन है। हाँ, इसके ऊपर इसका उदाहरण दे रहे हैं और इसको साफ करें कि ये जड़ नहीं है, जड़ चित्त शक्ति चेतन नहीं है, जड़ ही है, जड़ है। ये कैसा होगा? अरे ये सारा काम जो करते हैं, सारे काम के पीछे जिसका हाथ है वो जड़ हो सकता है? ऐसा कैसे बोलोगे? हाँ, ऐसा बोला जाएगा विचार करने से समझ में आता है, नहीं तो समझ नहीं सकते हो। विचार करो, चलो विचार करते हैं। चित्त की छाया से ही इन संपूर्ण शरीर उनके अंदर जड़ता का ऐसी भली भांति उदय होता है, जैसे समस्त घरों के अंदर प्रकाश छाया से अंधकार का भली प्रकार उदय होता है। तात्पर्य यह है कि पंचीकरण प्रक्रिया के अनुसार यद्यपि घर भी चारों ओर तेज से व्याप्त है, क्योंकि उसमें तेज का भी सम्मिश्रण हुआ है, इससे उसके भीतर अंधकार की स्थिति हो नहीं सकती, तथापि तेज की जो भास्वर रूपता है उसके पंचीकरण में सम्मिलित अन्य अन्य पृथ्वी आदि भूत खंडों से तिरस्कृत होने के कारण बाह्य प्रदेश में अभिव्यक्त सूर्य प्रकाश को व्याप्ति दशा में तज्जनित छाया से भीतर उसका जिस प्रकार आविर्भाव होता है, उसी प्रकार घटादि के अधिष्ठान भूत चैतन्य की भास्वर रूपता के भी अध्यस्त पदार्थ से अभिभूत होने के कारण बाह्य प्रदेश में चाक्षुष वृत्ति जो है इसके द्वारा अभिव्यक्त हुई चिद व्याप्ति के स्फुरण काल में उससे जनित छाया से जड़ता का भीतर उदय होता है। ये शब्द सब ऐसा प्रयोग किया, आप लोगों को एक शब्द भी समझ में नहीं आएगा, है तो कठिन। ये कह रहा है जब ये चित्त शक्ति हर चीज को प्रेरणा देती है और कार्यान्वित करती है, तो ये प्रकाशमय होना चाहिए और ये जड़ नहीं होना चाहिए, इसमें चेतन है, चेतन का ये शक्ति है, इसलिए भी चेतन है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कैसे? जैसे आपका छाया अभी का तो है, लेकिन वो छाया में कोई चेतन शक्ति चेतनता नहीं है, आप में जो चेतन है वो छाया में नहीं। अथवा आप प्रतिबिंब देखो, आपका प्रतिबिंब जल में चलायमान दिखता तो है, वो प्रतिबिंब में गति दिखती है, लेकिन वो गति सच्चा गति नहीं, वो आभास मात्र है। उसमें चेतन नहीं है, चेतन तुम्हारे अंदर हो सकता है जो प्रतिबिंब को बनाता है,
वो शक्ति जो है चित्त शक्ति है, वह शक्ति सिर्फ छाया मात्र है, प्रतिबिंब मात्र है। और उसका उदाहरण भी हम बार बार दिए हैं, जैसे लेंस हाउस में जहाँ सारे चीज लेंस जड़ा हुआ है, चारों तरफ ऊपर नीचे चारों तरफ सब लेंस जड़ा हुआ है, उसमें एक लेंस का प्रतिबिंब दूसरे लेंस में दिखता है, सारे लेंस एक दूसरे में प्रतिबिंबित होते हैं, तो वो प्रतिबिंब सब एक दूसरे के अंदर अलग अलग रूप से और स्पष्ट अस्पष्ट रूप से कितनी अलग अलग रूप से सब दिखाई देता है। वो सारे चीज में कोई चेतन शक्ति है ही नहीं, वो सिर्फ प्रतिबिंब मात्र है। वैसे ही दूसरे उदाहरण हमारे पास कल हम देखे थे, परसों भी देखे थे, जो स्फटिक मणि में जो धारण करने का शक्ति है, चारों तरफ जो दृश्य पदार्थ उसके है, उसका रंग और उसका प्रतिबिंब को स्फटिक मणि धारण कर लेता है, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं रहता है, दिखता है सब कुछ। वैसे ही ये माया है, माया सिर्फ प्रतिबिंब मात्र है। मान लो जैसे सूरज का प्रतिबिंब एक बहता नदी में दिखता है, सारे प्रतिबिंब सब चलता फिरता दिखता है, उसको हम चेतन नहीं बोल सकते हैं। वैसे ही ये सारा संसार का जो चलनशीलता है, जो परिवर्तनशीलता है, वह चित्त के द्वारा होता हुआ भी चित्त के अंदर कोई चेतनता नहीं है, ये सिर्फ प्रतिबिंब मात्र, छाया मात्र, इतना ही हम समझ लेना बहुत है। और इसका जो अधिष्ठान है, ये सारे चीज को जो धारण करता है, वो जैसे स्फटिक मणि सब कुछ को धारण कर लेता है, वो तो है, वो उसके अंदर चेतन शक्ति तो है, चेतन है, क्योंकि वो धारण करने का जो शक्ति है उस आधार में है, प्रतिबिंब में नहीं। इस परिस्थिति में जैसे सूर्य आदि के प्रकाश से ही घर महल आदि चित्र विचित्र आकृतियों की सिद्धि होती है, वैसे ही देह के अंदर अभिव्यक्त प्रमात्र चैतन्य के चमत्कार से ही गाय घोड़ा घड़ा कपड़ा आदि चित्र विचित्र आकृतियों की सिद्धि होती है, दूसरे प्रकार से नहीं। कहते हैं कि यदि देह में ये चैतन्य के चमत्कार न रहेंगे तो तीनों लोकों में रहने वाले साकार पदार्थ छाया और जड़ता का त्याग कर दूसरे किसी भी प्रकार के आकृति का स्पर्श न करेंगे, क्योंकि छाया और जड़ता का परित्याग कर आकृति साधक दूसरा कोई पदार्थ नहीं है, यह भाव है। ये बड़े सूक्ष्म चीज को समझा रहे हैं। ये जो छाया है, माया है, ये नाना रूप को धारण करना करता है
और इसी में सब अलग अलग रूप नाम सब दिखता है। और वास्तव में इसका आधारभूत जो है उसके अंदर सब कुछ धारण करने का शक्ति होता हुआ भी वो करता कुछ नहीं, इतना ही अच्छी तरह समझ लीजिए। जिसमें चैतन्य आकाश का प्रकाश विद्यमान है, ऐसे इस देह रूपी घर में संकल्प लड़कों को धारण करने वाली विहित एवं निषिद्ध क्रियाओं में प्रवृत्ति रूप चंचल कुलवधु परिस्फुरित होती है। शरीर के अंदर वो जो चेतन आकाश है, इसको चेतन आकाश कहेंगे, है तो हृदय गुफा को कहते हैं, लेकिन वो आकाश शरीर में व्याप्त है। उसकी उसकी अभाव ये शरीर में कहीं नहीं है। शरीर में क्या, कहीं पर उसका अभाव नहीं, वो सर्व व्यापक होने से सर्वत्र है। और उसको हम आकाश इसीलिए कहते हैं कि अति सूक्ष्म होने से और अति प्रकाशशील होने से, स्वयं प्रकाश मतलब स्वयं अपने आप को जानना, तो उसी के कारण वह सर्वव्यापक है। और ऐसे देह रूपी घर में संकल्प नामक जो सब बच्चे हैं शरीर के अंदर, चित्त के जो सब संकल्प शक्ति है जिसके कारण ये शरीर चलायमान पता चलता है, दिखता है, तो वो जो चलन शक्ति है वो कैसे है, उसको ये जो इस चैतन्य का जो शक्ति है छाया रूप प्रतिबिंब रूप, वो उसको सब पालन पोषण करता है। और शरीर के अंदर ये सब निश्चित हो या चाहे विहित हो, विहित और अभिहित जितने किस्म के कर्म है वो कर्म को वो कराती रहती है, चेष्टा प्रदान करके सबको एक मोमेंटम देती है, एक धक्का जिससे सब चलता रहता है। और वही चित्त शक्ति की काम है और उसी को कहते हम दृश्य शक्ति, दृश्य जगत। कथित अर्थ का अनुभव कराने के लिए व्यतिरेक की दृष्टांत से प्रसिद्ध उदाहरण में समर्थन करते हैं कि हे मुने, किसी व्यक्ति विशेष की जीव के अग्रभाग में व्याप्त हो रहा भी रस चित्त प्रकाश के बिना किसी प्रकार किसी समय कहीं पर अनुभव में आता हो, ऐसा क्या देखा गया है। जीभ में हमको जो स्वाद का एक अनुभव होता है, अलग अलग रस का आस्वादन करते हम वो जीवित करता है, तो क्या वो जीव का जो स्वाद चखने का जो शक्ति है वो शक्ति अपने आप जीव में है क्या? कुछ नहीं, उसके पीछे कोई है जो
उसको अनुभव करता है और उसी को हम कहते हैं चैतन्य का प्रकाश। वो अनुभवात्मक जो ज्ञान है अनुभव को ही चैतन्य का प्रकाश बोलते हैं। वो खुद खुद समझ रहा है कि जानता है कि मैं ये रस को अनुभव करता हूं, ये अनुभव वो खुद अपने आप में करता है। तो वो अनुभव ही चेतन है। मुने किसी व्यक्ति विशेष की जीव के अग्रभाग में व्याप्त हो रहा भी रस चित्त प्रकाश के बिना, चित्त प्रकाश मतलब चेतन जो है वो अपने आप को जानना, उसी को प्रकाश बोलते हैं जानना। तो चित्त प्रकाश के बिना किसी प्रकार किसी समय कहीं पर अनुभव क्या आता है? और अनुभव हो ही नहीं सकता है। वो अनुभव ही चेतन आकाश है। हे भद्र सुनो, यद्यपि इस देह रूपी वृक्ष में हाथ पैर आदि अपने अंग भी शाखाएं हैं और केशों का समूह भी सुंदर लताओं का समूह है, तथापि यह वृक्ष क्या पर्याप्त रूप से चैतन्य संबंध के बिना इस तरह सुविध हो सकता है? शरीर में जो कुछ भी हमारे अंग प्रत्यंग है शरीर के अंदर सब इंद्रियां हैं और अंग उसके हिस्सा है सब, क्या वो हिस्साएं सब अंग प्रत्यंग जितना हमारे सब शरीर में इंद्रियों के रूप में हम जानते हैं शरीर का हिस्सा, क्या वो कोई काम कर सकते हैं? काम तो कुछ करता हुआ दिखता है पर वो काम करने का अनुभव किसको होता है? जो अनुभव है वही तो परमात्मा का स्थिति है, चेतन आकाश वह है और वो है सब में है। इसीलिए अगर कहा गया इन संसार को चित्त शक्ति जो है वो बनाया, नाम रूपों को बनाया, नामकरण किया और सारे कर्म को संचालित करती रहती है, तो फिर उसके पीछे जो अनुभव है वो अनुभव सही है। इसके अंदर कोई शक्ति ऐसा नहीं जो अनुभव कर सकता है। इसीलिए चित्त शक्ति को जड़ कहा गया, अनुभव नहीं कर सकती है। वो जीव में तो रस का स्वाद लेने का शक्ति है, वो शक्ति को अनुभव करने वाला कौन है? कौन जानता है कि मैं ये खट्टा खा रहा हूँ, मीठा खा रहा हूँ, कौन जानता है? जो जानने वाला है वही है सच, और उसके अलावा जो ये जानकारी दिखता है सब ये तो जड़ शक्ति है, इसमें कोई शक्ति नहीं है। अनुभव ही वो शक्ति को अनुभव करता है। और एक उदाहरण ले लो, आप चलते हो पैर चलता है, इसको कौन जानता है? पैर चल रहा है और मैं चल रहा हूं, इसको जानने वाला कौन है? क्या पैर जान सकता है? पैर कैसे जानेगा? आंख देखता है, क्या आंख
जो देखता है उसको समझ कौन रहा है कि आंख में मेरा आंख देख रहा है? आंख नहीं देख सकता है, इसके पीछे कोई चेतन है जो कहता है कि मैं देख रहा हूं। सबके पीछे वो है। चीती शक्ति जो है वो तो चलनशीलता को कामयाब करती है, सब चीज को चलाती है। चलाती मतलब बदलाव करना, बदलाती रहती है। लेकिन ये बदलाव को अनुभव करने वाला दूसरा कोई उसके पीछे, इसीलिए उसको जड़ कहा गया। और जो अनुभव है वो चेतन है। महाराज ऐसी स्थिति में जैसे जल के अधीन तरंग आदि समस्त भाव पदार्थ परमार्थतः जल स्वरूप ही होते हैं, वैसे ही चैतन्य के अधीन जन्म वृद्धि आदि समस्त भाव स्वरूप जगत परमार्थतः चैतन्य मात्र स्वरूप ही है, करे है या चित्ती बढ़ती है, लुढ़कती है और भक्षण भी करती है। चराचर पदार्थों का निर्माण करने वाली भी यह चित्ती ही है, दूसरा नहीं। इसलिए एकमात्र चित्ती स्वरूप ही यह उत्पन्न जगत है। ये जो नाम रूप सब दिख रहा है, दृश्य जगत के रूप में सारा संसार को हम देख रहे हैं, ये तो इसको बनाना और इसका एक रूप देना और इसको प्रकाशित करना, ये सारा काम तो ये चित्ती शक्ति तो है। लेकिन ये जड़ इसीलिए कहा गया कि ये अपने आप में ये सारे चीज का जो कर्म हो रहा है वो अपने आप अनुभव नहीं कर सकती, और एक शक्ति है जो करती रहती है। उसके पीछे वो शक्ति को धारण करने वाला शक्ति धर, जैसे हम भगवान को कहते हैं श्रीधर, श्री को धारण करने वाले, वैसे ही ये शक्तिधर वही परमात्मा है जो ये शक्ति को संचालित करता हुआ अनुभव करता है कि हाँ ये संचलन हो रहा, ये अनुभव करने वाला परमात्मा है। ये चित्त शक्ति कुछ नहीं कर सकता है। और ये नाम रूपों को जो चलाना है, इसको हम पहले हमारा पुराना भाषा में, ये जो दार्शनिक भाषा पुराना था, आजकल बदल गया वो, कैसे पुराना भाषा क्या था, सूत्रधार बोलते हैं, परमात्मा को सूत्रधार बोलते थे। अभी तो वो कठपुतली नचाने वाला कोई नहीं मिलता है, इसीलिए हम पपेट शो को ले लिए हैं। बच्चे सब पपेट शो का देखते हैं, आनंद लेते हैं। वो पपेट खुद कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। उसको छोड़ो, एक बच्चे का खिलौने को लो, खिलौने तो चलते फिरते सब कुछ करते हैं, और वह बतख कूं कूं करता है, वो तोता चूं चूं करता है, लेकिन क्या वो खिलौने के अंदर वो शक्ति है? उसको जैसे हवा का आना जाना,
जैसे बंसी के अंदर, बांसुरी के अंदर हवा हनाने से इतनी मधुर शब्द पैदा होता है, वैसे ही क्या बंसी में कोई शब्द पैदा करने का ताकत है? वीणा बजाते हैं, वीणा जो तंत्री उसमें जो तार है उसको हम शब्दों उससे निकालते हैं और वो गिटार, तानपुरा, वीणा, ये सब जो यंत्र हारमोनियम ले लो, हारमोनियम क्या अपने आप में ये सब तस्वर पैदा करने का ताकत है? कौन पैदा करता है? एक कोई चेतन इसके पीछे है, नहीं तो वह कुछ नहीं कर सकता, हर मन में खुद बच जाएगा। सारी दुनिया ऐसे ही चल रहा है, उसके पीछे कोई है जो दिखता नहीं। और ये चित्ती शक्ति जो है ये ऐसे ही शक्ति है, जैसे मान लो वो कार के अंदर छोटा खिलौना कार के अंदर जैसे बैटरी है, वैसे ही मान लो। और जैसे वो कठपुतलियों को धागा से नचाने वाला जैसे नचाता है, वैसे ही समझो ये सारा संसार को नचाने वाला दिखता है तो चित्ती शक्ति, लेकिन उसके बस का कुछ नहीं है, कुछ नहीं बस का और जड़ है, जड़ है। अब हम जितना ये सब विचार कर लिए इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है कि तुम एक जीव में, जीव के रूप में, जीव मतलब ये वहा एक नाम और रूपधारी चलने फिरने वाला एक कोई खिलौना, वही जीव समझो। तो जो तुम जीव रूप में नाम रूपों को धारण कर रहे हो, शरीर को धारण कर रहे हो, तुम्हारे अंदर कोई शक्ति नहीं है कर्ता बनने का, इसी को पक्का समझो। तुम कर्ता हो ही नहीं सकता। हाँ जी, अगर वो कार वो अगर चल रहा है तो वो कार चलने वाला नहीं बोल सकते हैं, चलने वाला वो दिखता है लेकिन चलाने वाला और कोई पीछे खड़ा है, तभी वो उसको हम चलता हुआ देखते हैं। उदाहरण फिट है रोबोट है, मतलब मेरे जीवन में अभी तक जो कुछ भी हुआ मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किए ना कर सकते हो, तुम हो कौन? हो ही नहीं कोई नाम और रूप, कोई कार्य को संपादन नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकते हैं। ना तुम पैदा हुए हो, ना तुम मरोगे, ना तुम कुछ काम किए हो, अछूट मुड़ जो हम मैं करता मैं करता मैं करता करके हम चिल्लाते रहते हैं, ये चिल्लाना भी एक ऐसे ही समझो जैसे बांसुरी के अंदर हवा भर देने से आवाज आता है, और जैसे ये बच्चे पे पे गाली बोलते हैं उसको पे करते हैं, ऐसे ही समझो तुम आवाज लगाते हो कि मैं
अरे बकरी भी मैं करता है। मेरे प्यारो मान लो खिलौने। हाँ जी अमित जी, ये मुझे ऐसा, मेरा ये है कि ये हम नहीं कुछ कर रहे बोलने से हम कुछ जिम्मेदारी से हट रहे, मतलब जिम्मेदारी से हटने वाला तुम कौन हो? कौन हो तुम जिम्मेदारी से हटने वाला? लगता है मैं जिम्मेदारी से हट जाता हूँ, क्यों? मैं तो कुछ नहीं करता हूँ। चुप बैठे, बैठ सकते हो? बैठ के कि दिखा दो जिम्मेदारी से हट करके, दिखा दो। अरे वो तो बैटरी भर रखा है और रिमोट चालू है। क्या ये टीवी का अपना ताकत है वो बंद हो जाने का? हाँ? वो चलता रहेगा जब तक मैं रिमोट टॉप नहीं किया, तब तक वो टीवी चलते रहेगा। और वो टीवी के अंदर कितने लोग चलते फिरते देखो, गाना गाते देखो, क्या वो गा सकते हैं कुछ? मैं नहीं चाहने से वो आवाज को, वो जो मात्रा क्या, हाँ साउंड को मैं बढ़ाऊंगा। वो कौन होते हैं जोर से बोलने वाले? कौन होते हैं वो? क्या ताकत है वो जोर से बोल देंगे? मैं कहूंगा तो चुप बैठो, चुप बैठेंगे। हम जब आपस में बात करते हैं मैं साइलेंट कर लेता हूँ। हाँ जी, क्या है उसका ताकत? अंदर कोई बैठ के जो आवाज निकालता है, वाचो विभांति निखिला जदनु ग्रहण। सारे ये आवाज जो है पुं पुं करते हो, ये पुं पुं करने वाला, कराने वाला और कोई? वो जो क्या वो ट्रक का होता ना भांपू, उसको दबाने वाला वो ड्राइवर है उधर, भांपू करने वाला। हाँ, कुछ नहीं कर सकते हो, चुप नहीं बैठ सकते हो, दौड़ भी नहीं सकते हो। जो मैं कहूंगा वही होगा। वो मैं कौन है? पुरुषोत्तम। हाँ जी, रामायण सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया। हाँ जी स्वामी जी, ये सवाल शायद मैं आपको 50 बार पूछ चुका हूँ और आप 50 बार बोल चुके हैं। और 100 बार पूछो। और एक बार पूछना चाहूंगा स्वामी जी, अगर वही चीज है, अगर मैं करता, उसे अगर मगर हटा दिया, मैं करता नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, कोई और फिक्स करता है, तो मैं अगर बुरा काम किया तो मैं नरक क्यों जाऊंगा? नेक्स्ट जन्म में जो इतर योनि ये सब क्यों होता है अगर मैं कुछ नहीं करता? नरक कहीं नहीं, कोई नहीं कहता है तुमको नरक जाने के लिए। तुम चुप बैठ जाओ, चुप बैठ जाओ। कोई नरक कोई नहीं ले जा सकता है मेरी जिम्मेवारी। ना नरक जाओगे ना स्वर्ग जाओगे, तुम बैठ जाओ, चुप बैठ के दिखा दो, बस काम बन गया। मैं बैठूंगा, किसी को बैठने नहीं देगा। अरे वो बैठने नहीं देगा तो वो नरक में भी ले जाएगा। वो नहीं बैठने दे रहा है, और तुम क्या हो बताओ ना? वो बैठने नहीं दे रहा है। आप ही तो बोलते हो ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। मैं तो मैं क्या कहूंगा जो है चीज, वो बैठने नहीं देता है, बैठने नहीं देता है। पूछो उसको, नरक जाऊंगा या स्वर्ग जाऊंगा? हाँ, और वो अगर कर रहा है करके मान रहे हो तो फिर ना तुम कहीं स्वर्ग जाओगे ना कर नरक जाओगे। तुम जो मर्जी करो, वो करवा रहा है करके मान लो, इतने ही तो चाहिए हमको। ना हम करता हरी करता, इतना तो मान लो। हाँ, तुम्हें तो याद आता है ना, हरी के
तो यही तो हमारा कवि दिख पड़ता है, मान लेते हैं एक पल के लिए, बाद में फिर मैं हाथ तेरी के यहाँ से बाहर तुरंत मैं एक पल में मैं आकर के सवार हो जाता है भूत। वो भूत को भूत सवार हो गया तो मैं क्या करूं है? अरे इतना जब समझ में आ गया वो बैठने नहीं देता है, तो बैठने नहीं देता है वो कुछ भी करवाता है, करने दो ना उसको, जानते हो कि उसके ऊपर किसी का हाथ नहीं, तो फिर करने दो, चुप हो जाओ, जैसे न चाहता है नाचो, जैसे न चाहता है नाचो, क्योंकि तुम चुप नहीं रह सकते हो। वो नचाएगा और तुम जानते हो कि वो नचाने से मैं नाचता हूं, तो फिर तुम्हारे नाचने का कोई ना फल है क्या? वो जो रिमोट पकड़ रखा है बच्चा, और वो कार जो इधर उधर घूम रहा है, वो एक्सीडेंट हो जाता है अथवा सही रास्ता में जाता है, वो कार को कोई पूछेगा क्या? कार अगर टूट गया तो क्या माँ बाप कार को पूछते हैं तू टूटा क्यों? अरे माँ बाप पूछेंगे तो बच्चे को पूछते हैं तू ऐसा क्यों चलाया रे, हाँ इतना सुंदर कार मैं खरीद करके ला दिया था तुम्हारे लिए, और उसको तोड़ करके रख दिया रे नटखटी। बच्चे को पूछेंगे, कार को नहीं पूछते हैं। वैसे ही तुम एक इंस्ट्रूमेंट बन जाओ, निमित्त मात्रम भव सभ्यसाची, एक मेरे हाथ में तुम औजार बन जाओ। अरे अगर वो पेड़ों में सुंदर फूल नहीं आया तो कोई जाकर के उस पेड़ को पूछेगा क्या बगीचा में तू सुंदर फूल क्यों नहीं दिया? अरे माली उसके लिए जिम्मेदार है, और जो फावड़ा है वो फावड़ा को जाकर के कोई पूछता है क्या है तुम क्यों नहीं खोदा मिट्टी को ढंग से? कौन पूछता है फावड़ा को? इतना तो समझो, ना मेरा हाथ ना पैर ना आंख ना कान कोई कुछ कर सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, मान लो समझ लो, इतने में काम बन जाएगा। 24 घंटा मानना पड़ेगा ना, 24 घंटा मानना पड़ेगा। जब आया मैं तो फिर गला काट के तुम्हारा बलि चढ़ाएंगे, हाँ जी बलि चढ़ाएंगे, सियासुनी लड़ेंगे। इसका मतलब सतर्क रहना है बिल्कुल, हाँ जी 24 घंटा 24 घंटा होश में रहो, मैं को छोड़ दो, और मैं करोगे बकरी तो तुम्हारे गला काट करके बलि चढ़ाऊंगा, हाँ जी मैं करोगे, और फिर जब तुमको काट करके छाला निकाल करके टैनिंग करके उसको फिर ढोलकी में चढ़ाऊंगा तुम्हारे चमड़ा को, तब फिर तुम कहोगे तुम तुम गुम गुम करते रहोगे, तभी करोगे, तब तक तुम मैं को नहीं छोड़ोगे। ये मैं जब आया सत्यानाश कर गया, इसको पीसो, यही काम है हमारा। तो फिर सवाल उठाओगे क्या मेरे अंदर ताकत है इसको अहंकार को पीसने के लिए, है क्या? हाँ तुम्हें तो बोलते हो मैं कुछ नहीं करने वाला, तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तो मान लिया
तो मैं करना तो छोड़ सकता हूँ। हाँ जी, अब मैं करने दो जिसको करने वाला, तुम तो अलग हो जाओ मैं से, मैं से तुम अलग हो जाओ, तुम समझ लो मान लो 24 घंटा के लिए कि मैं हूं नहीं, मैं हूं नहीं, इतना मान लो। अरे मैं करोगे तो तुमको करना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा इससे। जहां आया मैं तो फिर मार खाओगे। हाँ जी, मार खाओगे। स्वामी जी, इसको अभ्यास करने के लिए ऐसा कुछ छोटा सा कुछ जो हम लोग इजीली कर पाए, जैसे अभी बोला ये सबसे सहज तरीका यही है, चुप हो जाओ बस, नहीं ये बस ये बहुत इससे और क्या बड़ा काम हो सकता है, कितने सरल हो सकता है, चुप हो जाओ, मैं करना छोड़ दो। इतनी सरलता और इससे क्या सरल हो सकता है, इसीलिए तो कहा गया परमात्मा अति सुलभ है। हाँ जी, इससे बढ़कर के कोई सुलभ निकटतम कोई नहीं है। मानो तो गंगा का हर कंकर शंकर है, नहीं मानेंगे तब तो कंकर है। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा हे श्री राम जी, चंद्रमा की किरणों के सदृश निर्मल वाणी से त्रिनेत्र श्री शिव जी ने जब ऐसा कहा, तब फिर मैंने चंद्रमा की किरणों के सदृश निर्मल वाणी से उनसे पूछा, ये सब डायलॉग कहाँ चल रहा है, भूल गए सब। ये हिमालय का गंगा किनारे का कोई एक पवित्र स्थल जहाँ वशिष्ठ जी दूसरे ऋषि मुनियों के वापी तपस्यारत थे और उनके पूजा पाठ से भगवान शंकर कैलाशपति उमा रमण चंद्रशेखर बड़े खुश होकर के भगवान वशिष्ठ के सामने अपना स्वरूप प्रकट किए और वशिष्ठ जी बड़े उत्सुकता के साथ बड़े प्यार के साथ भगवान चंद्रमौली को पूजा किए और उससे चंद्रमौली भगवान शंकर बड़े प्रसन्न होकर के बोलते हैं, वशिष्ठ कुछ चाहिए पूछो। वशिष्ठ जी पूछते हैं, भगवान आपका उत्तम पूजा, सबसे उत्तम पूजा क्या है, उसका क्या विधान है, मुझे कृपा करके बताइए। और उसी को भगवान शंकर पहले 33 करोड़ दूसरे देवताओं का जो साधारण मनुष्य पूजा करते हैं द्रव्य पूजा से, उसको पहले थोड़ा देर के लिए स्वीकार करके उसके बाद में फिर नकारे। द्रव्य पूजा तो कोई मन का अभिलाषा पूरा करने के लिए, जो अभिलाषा बड़े सीमित हो, ऐसे ही सीमित
इच्छाओं की पूर्ति के लिए सीमित बड़े सीमित शक्तिशाली जो देवता लोग उनका पूजा किया करते हैं लोग, और वो सब सकाम भक्त लोगों का और बड़े संकीर्ण बुद्धि वाले लोगों का वो पूजा होता है, द्रव्य पूजा करते हैं वो थोड़े बहुत कुछ मिलने के लिए पाने के लिए। लेकिन जो परम शिव है, जो परमात्मा है, उसके लिए जो निष्काम भक्त लोग वो उनको द्रव्य पूजा से आराधना नहीं करते हैं, वो ध्यान से ही पूजा करते हैं, ध्यान ही उनका पूजा है। और उसी के तहत भगवान शंकर वशिष्ठ जी से बात कर रहे हैं, ये हम सब चर्चा कर रहे थे। इसी के अंदर कर्ता भूता और ये चित्त शक्ति इत्यादि सारे चीजें आया है। भगवान शंकर वशिष्ठ जी को इतनी साफ शब्दों से अपना पूजा का विधान बताए। स्वामी जी, तुमसे एक प्रश्न आया कि हमको तो अभी कुछ छोटी मोटी चीज नहीं चाहिए, भगवान ही चाहिए, परमात्मा ही चाहिए, तो फिर हम द्रव्य पूजा ना करें कि वो अपने आप छूट जाएगी? हम दुनिया को दिखाते रहते हैं, जो हम बोलते हैं वह झूठ है, झूठ है। मुझे कुछ नहीं चाहिए दुनिया में, भगवान ही चाहिए। ये जो आप कह रहे हो मैं कह रहा हूँ, मैं भी कभी कभी बोलता हूँ, लेकिन ये सब झूठ है। जिसको भगवान चाहिए दुनिया नहीं चाहिए, वो दुनिया के बारे में सोच कैसे सकता है, वो कैसे दुनिया को देख सकता है, वो कैसे बात कर सकता है। जिसको भगवान चाहिए, भगवान सर्वत्र है, उसको मिलता है। लेकिन हम बोलते तो बोलते हैं और दिल से नहीं बोलते हैं, बाहर सुनी सुनाई, सुनी सुनाई बहुत सुने हैं ऐसा बोलना है, इसलिए हम बोलते हैं दिखाओ दी, इसको मानो। मन से तो लगता है ना कि अभी कुछ, अरे लगता है एक पल के लिए, एक पल के लिए लगता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तेरे को कुछ नहीं चाहिए तो 8 दिन जब व्रत किया था पानी पी करके फिर वजन क्यों किया रे? हाँ, 2 थप्पड़ मारूंगा, पूछूंगा मैं, बोल क्यों फिर भोजन किया? तेरे को तो कुछ नहीं चाहिए है? नहीं, शरीर रक्षा करना कर्तव्य है तेरी के, तेरे को शरीर रक्षा करना कर्तव्य है, तो भगवान का नाम लेना कर्तव्य, कहाँ भूल जाओ, भूल जाओ, शरीर को बचाओ। हम जो कुछ बोलते हैं सब सुनी सुनाई रटी रटाई, एक जैसे तोता के माफी बोलते रहते हैं, इसको मानो। हम दिखावटी बहुत करते हैं, ऐसा दिखावटी करते हैं कि खुद को भी ठगते हैं, खुद अपने को ठगते हैं। मैंने मेरे को कुछ नहीं चाहिए दुनिया में, दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। हाँ, तेरे को दुनिया में कुछ नहीं चाहिए तो बोलते क्यों, उठते क्यों, बैठते क्यों, चलते क्यों, क्यों? शरीर का धर्म ही है ना वो। अरे यार, नहीं, हमको सब चाहिए, तो सब चाहिए, इसलिए तो मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे को सब चाहिए, दो दो दो। बिल्कुल, पर मिलता नहीं, सिर फोड़ो। दो दो करते रहो, सिर फोड़ते रहो और रोते रहो जिंदगी भर।
हाय हाय मजाक रहे हो, तो फिर हम क्या करें? अरे करें क्या, करें तो यही करें, कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए बोलते रहो और सोचते रहो कि कुछ नहीं चाहिए, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अपने को टटोलो, अपने को देखना ही सबसे बड़ा काम है, और समझो तुम कौन, तुम क्या सोचते हो और क्या बोलते हो। महात्मा उन्हीं का नाम है जो मानस एकम वचस एकम कर्मन एकम महात्मा नाम। महात्मा उसी को कहते हैं जो जो सोचा और वही बोला और उसी को किया। लेकिन हम ऐसा ठगू है, दुनिया को दिखाने के लिए बहुत कुछ कर लेते कर बैठते हैं, हम खुद नहीं जानते हैं कि मैं कैसा दिखावटी करता हूँ, मैं खुद नहीं जानता हूँ दुनिया को कैसे मैं दिखाता हूँ, और वो मुझे मैं ठग रहा हूं करके मुझे होश नहीं। होश में आ जाओगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, होश में आ जाओगे कुछ नहीं कर पाओगे, आंख कान खोल करके मुहा आ करके रह जाओगे, दुनिया इतनी आश्चर्यजनक दिखाई पड़ेगा, दुनिया को देख करके अब्बा कब्बा रह जाओगे, मैं क्या कर रहा हूं, कौन हूं मैं, क्या कर रहा हूं, कैसे हूं। हम हर चीज में हमारा ढक्कन आधा ढका हुआ है। तो ऐसे लोग होते हैं, उनका कैसा होता है उधर निर्वाह ये सब उनको किसका सबका हो रहा? नहीं नहीं, जो लोग ऐसे होते हैं ना जिसको कुछ नहीं चाहिए वो लोगों का। अरे यार तो होना चाहिए, समझे कैसे होता है, वो नहीं खाते पीते भी वो जिंदा रह सकते हैं? समझे वो है, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, भगवान मेरी माँ के लिए बहुत चाहिए, मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरी माँ के लिए बहुत चाहिए। हाँ मेरे माँ के लिए चाहिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे माँ के लिए चाहिए, मेरे भाई के लिए चाहिए, माँ के लिए मेरे को बहुत चाहिए, हाँ मेरे भाई के लिए चाहिए, मेरे बेटा के लिए चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। हाँ तेरी जय। ऐसे संतों का कैसा जीवन होता है? नहीं संतों का क्यों नहीं होगा, एक बार मैं कहा था ना, जब 3 साल तक पैसा नहीं छुआ था, हाँ जी, तब पल पल में कैसे भगवान के ऊपर निर्भरशील होते हैं और भगवान कैसे याद आते हैं और भगवान फिर तुम्हारा कैसे योगक्षेम वहन करते हैं, बड़ा विचित्र से चमत्कार होता रहता है, चमत्कार होता है, उसको दूसरे लोग नहीं समझ पाएंगे। तभी तो भगवान बोला अनन्य चिंतयन्तु माम ये जनाः परिपास्यते, और वो ठेका ले रखा है, ठेका ले रखा है, और ठेका उसको तो टेंडर तो दो, एक बार दे करके देखो वो ठेकेदार कैसे काम करता है। देखा है हमने सब। हाँ जी, मैंने ऐसे चले गए थे तो वो सब उन्होंने चलाया पूरा एक दिन में। बिल्कुल बिल्कुल परीक्षा करके देखो, वो काला सेठ, वो कंट्रैक्टर जो है दुनिया का ठेका ले रखा है, वो करता है या नहीं करता देखो। हाँ जी, जब करता है तो फिर सवाल क्या कि मैं कुछ नहीं करूंगा तो मेरा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए तो मेरा पूर्ति कैसा होता है? वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा, और तभी समझ में आएगा कि ना हम करता हरी करता, तभी समझ में आएगा कि इतनी कहानियां उदाहरण देते हैं। अभी ज्वलंत है, मैं आपको बता देती हूँ,
परसों तो मुझे जाना है इसके लिए। बिल्कुल किसके लिए जाना है तो वो मैं जिंदा हूँ करके वो फॉर्म देना है ना इसके लिए, तो ये फिर कैसे करें हम, तो ये तो नहीं देना चाहिए इसका मतलब। नहीं सब करना है, मैं को किनार रख करके कर लो, एक खिलौना के वाकिल कर लो, एक रोबोट के वाकिल कर लो, मैं रोबोट हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो रहा है वो कर रहा हूँ। हाँ जी, इतना मान करके मैं तो कर ही नहीं सकता जो हो रहा हाथ कर। इंद्रियाणी इंद्रियार्थे व्यावतंता इति धारयन्ति। स्वामी जी एक सवाल है, माइक भी बेवकूफ है, आई डोंट नो कैसा है। स्वामी जी जब आप अभी बोलते भगवान के ऊपर संपूर्ण सरेंडर करके चलो और भगवान सब संभाल लेता है, और कुछ संतों आपका कहानी सुना हूँ, कुछ संतों का बायोग्राफी पढ़ा हूँ, वो बोलते अरे ऐसे तीन दिन भूखा रहा, एक दिन ऐसे मरने का वक्त आ गया था, सूखा रोटी मिल गया, जान रह गया। अरे अगर भगवान तुमको सूखा रोटी दे के तुम्हारा जान बचा रहा है, तुम भगवान के चक्कर में चल रहे हो, भगवान तुमको सड़रस खाना भी दे सकता था ना, वो सूखा रोटी दे के जान, जब तुम भगवान के भरोसे में हो तो तुम भगवान तुमको सूखा रोटी दे के तुम्हारा जान क्यों बचा रहा है, तुमको अच्छा खाना दे के भी जान बचाना चाहिए अगर तुम भगवान भरोसे बैठे हो। ये सवाल कोई इसमें कोई अर्थ है क्या? हाँ है ना, नहीं है, नहीं है। शरीर को सर्वस चाहिए हमेशा, और भगवान ठेका ले रखा है तो उसका डिमांड करेंगे, ये कौन बोला? योगाक्षेम जितना जरूरत है उतना मैं दूंगा, जरूरत से बाहर नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। हाँ जी, तुमको सर्वरस भोजन चाहिए, भंडारा खाओगे? हाँ तीन दिन मैं भूखा रहा, अब चौथा दिन भगवान तेरा बाप क्यों नहीं दिया मेरे को बोलोगे? हाँ वो बोल सकता है जिसके साथ भगवान का ऐसा संबंध हो। जैसे मान लो एक बच्चा माँ को कान पकड़ करके बोल सकता है कि मुझे ला मिठाई दो, बोल सकता है बच्चा, बोल सकता है। नहीं, और वो भी भगवान देते हैं। हाँ देते हैं, जैसे माँ देता है ऐसा भगवान देता है, वो संबंध तुम्हारा चाहिए वो हक तुम्हारा है तो भगवान का बाप देगा, भंडारा देगा, क्यों नहीं देगा? टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। हाँ जी, टर्म्स एंड कंडीशन है। तो बोला ना एक बार कंट्रोल था, बहुत कंट्रोल था सारा चीज। चीनी आधा किलो मिलेगा एक आदमी को महीना में। हाँ जी, और सब चीज कंट्रोल से चल रहा था। चावल उस समय वो जो हमारा बहुत आपत्ति आ गया था, ग्रोमर फूड प्रोजेक्ट बना करके शास्त्री जी क्या क्या कर रहे थे, शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय हमारे देश में अन्न का बहुत कमी आ गई थी, तो उस समय सब कंट्रोल था। और हम लोग, मैं और ब्रह्मानंद, हम दोनों वो लक्षेश्वर में रहा करते थे, ये सन 62 में। हाँ 1962। हाँ शायद या 64 साल हो सकता है। हाँ 64 भी हो सकता है शायद, मुझे अच्छी तरह याद नहीं उसी समय की बात। हम क्षेत्र से थाईलैंड में सब कमंडल में सब भिक्षा देकर के आ रहे थे दोनों, और
कमंडल में क्या दाल, सुंदर दाल और बड़ा सुंदर सब्जी सब, और वो थैला में पूरी मालपुड़े और हलवा। वो हलवा में क्या काजू किशमिश खुशबू खुशबू महक रहा है। आते वक्त रास्ता में एक हमारे कोई दोस्त वहीं थे, वो पूछ बैठा, स्वामी जी ये थैला में क्या है, बड़ा खुशबू आ रहा है। कहा हलवा है, मालपुड़े हैं। तो उससे रहा नहीं गया, तो बोल पड़ा, अरे हमको तो चीनी देखना सपना है, है? अरे ये महात्मा लोग को देखो तो क्या ठाट कर रहे। ये महात्मा लोग को देखो क्या ठाट कर रहे हैं, इनको कंट्रोल वोट्रोल कुछ नहीं। भगवान देता है, कौन बोलता है कि भगवान देता नहीं। द्रौपदी के तरह बुलाते नहीं, कौन बोलता है कि भगवान आते नहीं। हाँ, कौन बोलता है भगवान भंडारा नहीं देता है। जब सारा दुनिया भूखा मरते है तब महात्मा लोग ठाट करते हैं। और हुआ वो भूकंप, भूकंप के बाद एक दिन वो उत्तरकाशी से एक जीप में मैं बैठ के गा रहा हूँ, चार पांच पेटी और टाइल है, तो उसके साथ मेरे साथ भी एक देहात के सब पहचान के तो है ही सब। तो एक कोई दोस्त पूछ बैठा, स्वामी जी ये टाइल किसका है। मैं कहा मेरा ना। अच्छा हाँ, महात्मा हो करके अब टाइल कहाँ लगाओगे। मैं कहा बाथरूम में। अच्छा, टाइल के बिना टटी नहीं निकल पाए। और हमारे मकान टूट रखा है, हमारे सिर रखने के लिए एक तिरपाल नहीं मिल रहा है। अरे महात्माओं का ठाट देखो। मैं कहा भैया तेरे को महात्मा बनने के लिए कौन मना किया। मैं मना किया था क्या। अरे ठाट करना है तो आजा, अभी चोटी काटूंगा, आजा तेरे भी टट्टी खाना बनेगा टाइल का, आजा। कौन मना किया तेरे को साधु बनने के लिए। तो भगवान देता है, भगवान देता है। हाँ जी, कौन बोलता है नहीं देता है, है? मैं अगर घर गृहस्थी करता तो ये चार मंजिला बिल्डिंग के ऊपर बैठ के दुनिया देखता। हाई हाई मचा रखे हैं मेरे भाई बहन। हाँ, भूखे मर रहे हैं। अरे मैं ठाट कर रहा हूं। हाँ? बताओ किसकी देन है, कौन दिया। मेरे बाप का कमाई थोड़ी भोग कर रहा हूं मैं, उसी ने दिया। वो काला सेठ ठेकेदार, उसी ने दिया। और उसका साथ मेरे नाता ऐसा ही है, बिना पूछे वो दे देता है। हाँ जी, बिना पूछे, नहीं नहीं करता हूं तो जबरदस्ती देता है। नहीं नहीं करने पर जबरदस्ती देगा
बेटा खा ले रसगुल्ला। हाँ जी, और बोलता हूँ नहीं देता नमक कह रहा। जाही तन दियो ताही बिसरायो, सारा शरीर दिया, क्या नहीं दिया भगवान, क्या नहीं दिया। और उसको हम अगर कहें भगवान नहीं देता तो फिर हमसे बढ़ कर के नमक आराम कौन हो सकता। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, चंद्रमा की किरणों के सदृश निर्मल वाणी से त्रिनेत्र श्री शिव जी ने जब ऐसा कहा तब फिर मैंने भी चंद्रमा की किरणों के सदृश निर्मल वाणी से उनसे पूछा। फिर शिव जी से मैं ये प्रश्न किया था, क्या प्रश्न किया, महाराज यदि अकेली चीती ही सर्वत्र व्याप्त है तो तत् स्वरूप यह देह निद्रा मूर्छा मरण आदि अवस्थाओं एवं अन्य अन्य दृश्यों में नित्य का प्रचुर भूत विकार रूप चक्षु आदि इंद्रियों से शून्य भित्ति के तरह चमकती नहीं है, यह क्यों। शिव जी तो वो चित्ती महारानी को खूब प्रशंसा करते हुए आखिर उसको किसी काम का नहीं है करके बता दिए जड़ है। पहले तो उसका चमत्कार से बनना किए, सारे संसार उसी का खेल है, जादू है। और फिर बाद में जब मना कर दिए कि ये जड़ है, इसके पीछे कोई चेतन शक्ति है, चेतन है जो ये सब को अनुभव करता है, अनुभवात्मक जो ज्ञान है वो परमात्मा का स्वरूप है और वही सबसे पीछे है, सबके पीछे है। तो जब ऐसा बता दिए थे भगवान शंकर तो मैं पूछा, हे भगवान महाराज यदि अकेली चीती ही सर्वत्र व्याप्त है, अकेली एका अनेका एक ही शक्ति है, वो नाना रूप में दिखती है और वो सारे संसार को व्याप्त होकर के है, तो तत्स्वरूप यह देह निद्रा मूर्छा मरण आदि अवस्थाओं में एवं अन्य अन्य दृश्यों में मृतिका प्रचुर भूत विकार रूप, मृतिका प्रचुर, मृतिका प्रचुर मतलब स्थूल रूप है, मिट्टी जो है ये स्थूल रूप है, आकाश सूक्ष्म है उससे ज्यादा स्थूल होगा वायु, वायु से ज्यादा स्थूल हुआ अग्नि, अग्नि से ज्यादा जल, जल से सबसे ज्यादा स्थूल रूप, तो उसी को मृतिका प्रचुर बताया। मृतिका प्रचुर इसीलिए कहा कि स्थूल रूप, भूत विकार रूप, भूतों का विकार है मिट्टी, पंचभूत चार भूत विकार विकृत हो करके आखिर ये धरती रूप लिया अति स्थूल, तो भूत विकार रूप ये
और इसी से चक्षु आदि जितने हमारे इंद्रियां हैं ये पंचभूत से तो बना हुआ है, बना हुआ इन पंच मना षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर सती, ये पंच इंद्रियों को और छठा इंद्रिय जो मन है, मन ये सारे भूतों से सार को निकाल करके पांच ज्ञानेंद्रियों को बनाया, मन ही बनाया, वही मन चित्ति का एक रूप है। तो ये जो चक्षु आदि इंद्रियां हैं ये भूतों का विकार मात्र है और वृत्ति का प्रचुर मतलब स्थूल रूप है। तो इससे शून्य चित्ति की तरह चमकती नहीं है, ये तो आंख कान नाक ये जो सब है ये हमेशा चलनशील क्यों नहीं रहते हैं, कभी ये तो ये तो जड़ जैसे लगते हैं। मर जाने के बाद आदमी का हाथ कान नाक क्या करता है, कुछ नहीं। लेकिन आदमी एक कोई मर गया, आंख कान जो स्थूल रूप से ये सब शिथिल हो गए, कर्महीन हो गए, तो क्या उस समय चित्त का कार्य शैली बंद है क्या? चित्त तो सारा दुनिया को चलाती रहती है, तो वो चित्त के माफी की चमकता नहीं, ये सवाल है। ये क्यों? चित्त का तो सारा स्वरूप है, आप बोले। हाँ चित्त ही सब ये परिवर्तित हो करके नाम रूप सब इंद्रिया और शरीर सब कुछ इसको चित्त ही ये रूप को धारण किया है, तो चित्त के माफी ये चमकती क्यों नहीं? उसी का पुनः स्पष्टीकरण करते हुए भगवान शंकर जी कहते हैं ये देह आदि दृश्य भाव से पहले और जीवन दशा में चेतन होकर तदनंतर दृश्य एवं मरण आदि दशा में चैतन्य से हीन रहते हैं। यह कल्पना जो प्रत्यक्ष अनुभव रूप है लोक में इस तरह होती है, क्योंकि चैतन्य के अविनाशी स्वभाव और अपरिणामी होने से उसमें किसी तरह की जड़ता हो ही नहीं सकता है। ये बड़ा भयंकर सवाल है, इसको कल देखेंगे, इसमें फंस जाएंगे तो फिर निकलना मुश्किल है। क्या है सवाल? सवाल इसको वशिष्ठ जी पूछ रहे हैं, वो जो पहला पूछे चीती के माफी ये जो निश्चेष्ट ये इंद्रियां सब चमकते क्यों नहीं, और उसी को ज्यादा स्पष्टीकरण करके वो पूछते हैं कि हे भगवान ये जो दृश्य जगत है दृश्य भाव से पहले ही जीवन दशा में चेतन हो करके तदनंतर दृश्य एवं मरण आदि दशा में चैतन्य से हीन रहते हैं, दृश्य अवस्था में ये शरीर इत्यादि ये चलायमान जैसे लगता है, जैसे शरीर इंद्रिया सब काम कुछ कर रहे हैं करके ऐसा लगता है, जो जीवंत अवस्था में मतलब हम जिसको जीवन बोलते हैं, और मरण के बाद क्या होता है, ये शरीर वगैरह कुछ काम का नहीं रहते हैं, ऐसा होता है। अच्छा यह कल्पना जो है जो प्रत्यक्ष अनुभव रूप है
ये तो सब जानते हैं, सब अनुभव करते हैं। लोक में किस तरह होती है इसका जो जन्म मरण और जिंदा रहते हुए काम धंधा ये कर्म का अनुष्ठान करना और मरने के बाद फिर कुछ नहीं करना, मान लो यही तो हम मानते हैं, यही हम जानते हैं। तो ये कैसे होता है, सब कौन करता है, कैसे करता है, क्यों क्यों? जब जीवंत अवस्था में ये सब दिखता है, ये सब हाथ पैर शरीर सब कुछ करता है, मरने के बाद क्यों नहीं करता है? तो उसी को तो पहला पूछा था, पहले सवाल ये था कि ये चेतन के माफी चीती के माफी चीती जो सारा संसार में चमत्कार फैला रखी है, तो ये शरीर इत्यादि ये सब क्यों चमत्कार दिखाते नहीं है? ऐसे ही हर पल में बदलते रहता और सब कुछ सारा दुनिया को अपने हाथ मुट्ठी में चलाती रहती है वो। ऐसे जो अविनाशी स्वभाव और अपरिणामी होने से उसमें किसी तरह की जड़ता ही हो नहीं सकता है। परमात्मा जो है, ये परमात्मा है, आप तो बताते हैं सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक सर्व जगह सब जगह पर सब पूर्ण रूप से है। पूर्ण रूप से जब परमात्मा है तो ये चित्त का विकार ये कैसे संभावना है? और ये विकार को कैसे प्राप्त हो जाएगा, विकार को प्राप्त कैसे हो जाएगा? चित्ति ये जो शक्ति है ये चेतन का एक छाया रूप समझो, छाया रूप इतना सब सारा दुनिया को बना करके सब चलाती रहती है। तो ये कैसे संभव है? तो चेतन में तो कोई विकार का संभावना नहीं, अविनाशी और उसमें विकार का कोई संभावना नहीं होने से ये सब संसार बनना और दिखना और जो इसी के अंदर हम जड़ और चेतन के विभाजन किए हैं, जैसे चीती ज्यादा चलनशील हमको दिखता है माया और ये शरीर इत्यादि जीवंत अवस्था में चलनशील है और मरने के बाद कुछ नहीं कर सकते हैं, ये जो हमारे साधारण अनुभव सबको है ये तो असंभव लग रहा, ऐसा कैसे हो रहा? हाँ ये सवाल है। परमात्मा में कोई विकार संभावना है ही नहीं विकार का, तो फिर ये दृश्य जगत दिखता कैसे? नहीं होना चाहिए। इसका फिर कल अच्छी तरह विचार करेंगे, अच्छी तरह। ये भी बड़ा भयंकर सवाल, और सारे सवाल आकर के एक ही उत्तर में समाप्त हो जाता है। सारे सवाल करोड़ों हजारों लाखों सवाल का एक ही उत्तर है, दुनिया है नहीं, परमात्मा कुछ नहीं करता है कुछ नहीं हो रहा है, दुनिया दुनिया ना है ना कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो इसी को हजारों लाखों अलग अलग तरीका से समझाने पर भी हमारा मन नहीं मानता है, क्या करे? स्वामी जी ये ठीक है या दुनिया ही परमात्मा है ये ठीक है? दोनों है ठीक, दोनों ठीक है, नहीं नहीं भी दोनों ठीक है। परमात्मा ही हरि देव जगत जगदेव हरि, हरि तो जगत तो नहीं भिन्न तनु इति यस्य मतिः परमार्थ गति स नरो भवसागरम उद्धरति।
दुनिया ही भगवान है, भगवान ही दुनिया है, इसको जिसने समझा और माना वह परमात्मा गति को प्राप्त हुआ, इसी में कोई शंका नहीं, उसी को कहते हैं ज्ञानी पुरुष, स्थित प्रज्ञ, और उसी को बोलते हैं मुक्त, आत्म साक्षात्कार किया हुआ ज्ञानी पुरुष, उसी को बोलते हैं। इतनी छोटी सी काम क्या है, वो छोटी सी काम इतना छोटा सा काम करके बड़ा बन गया, और ज्ञानी सिद्ध प्रज्ञ क्या 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 इतना ही क्या कि संसार ही भगवान है, सब भगवान ही संसार है, इतना ही मान लिया। हरि रेव जगत, जगत एव हरि ही, ये दोनों को मान लिया, बन गया काम। दिल है कि मानता नहीं भगवान, खूब हम भगवान के बारे में बहुत बात करते हैं, खूब जानते हैं, अरे मेरे बराबर जानकर कोई नहीं है, क्या समझते हो मैं बड़ा ज्ञानी पुरुष हूँ, मेरे बराबर तुम क्या है, कौन है, बस इसी में जिंदगी बीती है, कुछ नहीं जाना है भगवान, ना कुछ जाना ना कुछ माना ना कुछ जाना ना कुछ माना। हरि विधाता और सबसे बड़ा पंडित वन बैठा है, इतना तक हम समझते नहीं कि हम अपने आप को कितना ठगते हैं, दुनिया को ठग लो चलेगा, दुनिया को ठग लो चलेगा, लेकिन अपने आप को ठग लोगे क्या होगा, होगा क्या, अपने आप को ठग लोगे कौन बचा पाएगा तुमको, हम नहीं जानते हैं अपने को कितना ठगते रहते हैं, हम अपने को ठगते हैं बड़ा चालू, समझते भी नहीं कि हम अपने को कितना ठगते हैं, जो नहीं जानते है उसको जानते है करके मान देते हैं ये ठगने नहीं हुआ तो क्या हुआ है, जिसको नहीं जानते हो उसको मान ले तो मैं जानता हूं, बताओ इससे बढ़कर क्या और क्या ठग सकते हो तुम अपने को, विधाता बचाओ हे हरि बचा लो हमको, बिना कारण से हमारे ऊपर कृपा करो, हम नालायकों के ऊपर कृपा करो, नहीं तो हमारा सर्वनाश सुनिश्चित है, कोई नहीं बचा पाएगा, हरी पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। Thank you.
सदगुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योगवासिनी जी भगवान की